चलो कोई बात नहीं। ताजी बोलना मत। ताऊजी ठीक है तबियत? पूरी बता। ना ना ये क्या? कहाँ? अबे जा दिया वाला था। यार सब ठीक है ना? बोलने का नहीं बोला वो। हाँ हाँ। क्या कंचन रखूँ? जा मारो तो ताऊजी छन्ने ना पूता। ताऊजी बना। रात से ना। हाँ तो ना। क्या? खाली क्या हम रख ले? इस वक्त हम हैं नरेंद्र नगर विधानसभा में और नरेंद्र नगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी ओम गोपाल रावत लगातार तपोवन क्षेत्र में अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। सीधे उन्हीं से ही बातचीत करते हैं। रावत जी, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस पब्लिक के द्वारा? वो आप देख ही रहे हैं, पूरा जनता ने मूड बना दिया है परिवर्तन का और इस बार निश्चित 1001% जो है भाजपा जा रही है और कांग्रेस जो है आ रही है। ये स्वतः ही आप देख रहे हैं, पूरा जन सैलाब देख रहे हैं आप पूरे क्षेत्र में। आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको सब चीज़ें पता हैं। आज जो है चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस नहीं लड़ रही, बल्कि जनता स्वयं लड़ रही है परिवर्तन के लिए। जो जनादेश भाजपा को जनता ने दिया था, 2/3 बहुमत, 57 सीटें इनको जनता ने दी है, 1 तरफा जो है जीत इनको हुई थी, लेकिन ये जनता की भावनाओं में खड़े नहीं उतरे हैं। और जहां देखो हर क्षेत्र में जो है त्राहिमान त्राहिमान हो रखा है, तो जनता ने निश्चित रूप से इस टाइम परिवर्तन का मन बना लिया है और निश्चित रूप से जो है यहां पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और नरेंद्र नगर में तो कांग्रेस की जो है इस टाइम बयार रहे। 2017 में आप निर्दलीय लड़े थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के टिकट से आप चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस संगठन का भी आपको सहयोग मिला, तो कितना इसको आप हेल्पफुल मानते हैं? बिल्कुल, मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी का। मैं जिस पार्टी में रहा, जहाँ मैंने तन मन धन से जो है सेवा करी, और 2007 में अकेला विधायक था जिसने जो है कांग्रेस की सरकार रोकी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन इन्होंने जो तिरस्कार करा है उसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। एक बार नहीं, दो बार इन्होंने तिरस्कार करा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि मैं अभी नया कांग्रेस पार्टी के परिवार में गया था। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम लोग जो है इस परिवार में जाएंगे, कभी हम उस कांग्रेस दफ्तर में आज तक कभी गए भी नहीं थे, ना ही कभी किसी नेता से हमारी कोई मुलाकात होती थी। लेकिन अभी मैं 80 या 85 घंटे हुए होंगे हमको कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमको जो सम्मान दिया है, मैं कांग्रेस पार्टी का आजीवन आभारी रहूँगा। अपने वीरेंद्र कंडारी जी का, जो प्रत्याशी कांग्रेस के दावेदार थे, आदरणीय जगमोहन भंडारी जी दावेदार थे, राजेंद्र राणा जी जो चेयरमैन है नगर वो दावेदार थे, और हिमांशु बिजवाण जी वो दावेदार थे, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है हमको जो है यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। और इनको भी कभी हम लोग भूल नहीं सकते, जिन्होंने उत्तराखंडियों को जो हरामखोर बोला था, यहाँ की जनता को जो हरामखोर बोला था, उसको जो है टिकट दिया। जो हमने उत्तराखंड के लिए जो है गोली खाई है, 19 बार जेल गए हैं, 17 केस हम लोगों ने जो है इस राज्य के लिए हम पे केस लगे हैं। और
इन्होंने हमको ऐसा निकाला जैसे कोई दूध से जो है मक्खी फेंक निकालती है, लेकिन आज आप देख रहे हैं जो हमारे निर्दलीय में जो हमारे पुराने साथी हैं 2002 से लगातार जो हमारे साथ थे वो भी, और कांग्रेस पार्टी का आप देख रहे हैं तमाम कार्यकर्ता आज जो है एकजुट होकर जो है काम कर रहा है। हमारी दोनों ताकतें आज एक हो गई हैं, जो हमारी पहले की थी और जो अब कांग्रेस की है, तो इन दोनों का जो संगम है इससे जो गंगा निकलेगी उससे ये तमाम जो ये लोग हैं ये सबको जो है अपने साथ बहा ले जाएगी। तो ये थे नरेंद्र नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी ओम गोपाल रावत, जो कि लगातार अपना जनसंपर्क इस वक्त चला रहे हैं तपोवन क्षेत्र में। और नरेंद्र नगर विधानसभा में इस बार क्या समीकरण बैठते हैं, क्योंकि ओम गोपाल रावत का साफ तौर पर यह कहना है कि जो उनकी पहले की ताकत थी और जो कांग्रेस की ताकत होगी वो मिल करके इस बार ये सीट कांग्रेस की झोली में लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गढ़िया के साथ दिग्विजय चौहान, संवाद 365।